अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये है हमारी ग्रामर वर्कशीट पेज नंबर 55 इन योर चेरी बुक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो देख लीजिए। ग्रामर वर्कशीट 1 लिंक लेसन राहुल्स डे आउट, ये हमारा लेसन फिनिश हो गया है। आज हम इसकी ग्रामर वर्कशीट करेंगे। ग्रामर इन फोकस, इसमें हमें आज क्या फोकस करना है, एम कैसे यूज़ करते हैं और कब, आई एज इज एन आर, एम इज और आर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से सेंटेंस में और किसके साथ आएगा वो हमें यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है और ही शी इसके साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, और जो दे दोज ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके साथ आर यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, पहले हम नोटिस पढ़ेंगे। री राइट सेंटेंसेज दैट हैव इनकरेक्ट यूसेज ऑफ इज आर एंड एम। यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आर इज और एम का गलत यूज़ किया हुआ है कुछ कुछ सेंटेंस में, तो हमें उसका सही यूज़ करके उस सेंटेंस को वापस लिखना है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है आई आर गोइंग टू स्कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए ये आर को हम लोग अलग करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ सेकेंड, वी इज प्लेइंग इन द पार्क, तो मैंने आपको क्या बताया वी के साथ क्या आएगा, आर, We are playing in the park. Third, they are my friends. अब यहाँ पे जो ये आर का यूज है वो सही है, तो हम इस सेंटेंस को वैसे ही लिखेंगे, They are my friends. Now fourth, this are a book. This के साथ क्या आएगा? Is, this is. This is a book. ये चीज़ हमने हमारे जो प्लूरल फॉर्म और प्लूरल और सिंगुलर देखा था उसमें भी हमने देखा था कि जब एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो इज़ आएगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो आर आएगा। अब यहाँ पे दिस वो एक के लिए यूज़ हुआ है, और ये बुक जो है वो भी सिंगुलर है, तो दिस इज़ अ बुक। अब यहाँ पे दे यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो दे के साथ आर आएगा। वी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बहुत सब लोग, मतलब वी यानी हम सब, तो वी के साथ क्या लिखा हमने, आर। वैसे फिफ्थ नंबर, रोहन एंड टीना इज़ इन क्लास 1। अब यहाँ पर रोहन और टीना दो लोगों के बारे में बात है, ये भी हमने देखा था कि जब दो लोगों के लिए बात कर रहे हो तो क्या यूज़ करना है, यस आर, रोहन एंड टीना आर इन सॉरी क्लास 1। ठीक है, नाउ सिक्स नंबर, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तो यही यहाँ पे आर का यूज सही है, तो यहाँ पे हम सेम सेंटेंस को कॉपी करेंगे, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है। सी स्लैश दे डैश इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ एक के बारे में बात की इसलिए क्या आएगा, सी सी डैश आई स्लैश ही डैश एम अ बॉय, एम के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, यस आई, आई एम अ बॉय। थर्ड,
they/I-are reading the news. यहाँ पे आर आया है, तो आर के साथ हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हम लोगों को पता चल रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, they/them are in the park. यहाँ पे आर है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, they are in the park. फिफ्थ नंबर, these/those-are my book. यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है और आर भी लिखा हुआ है, इसलिए दिस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये एक बुक के बारे में बात नहीं, बहुत सारी बुक के बारे में. तो क्या लिखेंगे हम, those/them-are reading. यस, आर यानी दे यूज़ करेंगे, they are reading. ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हुई, ग्रामर वर्कशीट 1 पेज नंबर 55 इन योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो.